हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बैंक निफ्टी की मूवमेंट को आप सभी देख ही रहे होंगे कि बैंक निफ्टी कैसे मूव कर रहा है अपना, और इसके साथ साथ जो 6 और 7 को मार्केट रही, जो देखिए आप ये अभी आप अगर देखें कि कल के दिन जो मार्केट थी वो प्योरली एक साइडवेज मार्केट थी, और यहाँ किसी एक लेवल पर 41,360 के आसपास और यहाँ से 41,320 के आसपास मार्केट ने बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिखाया है, और मार्केट ने जो रेजिस्टेंस फेस किया है वो फेस किया है यहाँ पर करके 41,527 के आसपास का मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, जिसे कह सकते हैं कि एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया है, और मार्केट यहीं से अपना साइडवेज लगा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आज के दिन हमारी क्या मूव हो सकती है उसके जान लीजिए। तो आज के दिन दोस्तों हमारी एक मूव हो सकती है ये कि 41,320 और 360 को जब ये क्रॉस कर देगी मार्केट, ऐसे जब ये रेड कैंडल के साथ क्रॉस कर देगी, थोड़ा सा एक रीटेस्ट लेगी। जब रीटेस्ट बनेगा आपका, और रीटेस्ट के बाद हमारा अगला जो लेवल का टारगेट होगा वो रहेगा 41,080 के आसपास, हमारा ये वाला टारगेट रहेगा दोस्तों, अगर मार्केट ने इतना मूव दिया तो। बट यहाँ पर बैंकिंग ही मूवमेंट अगर देखें तो 1% और 9% निफ्टी को सपोर्ट करने वाला रिलायंस जो है अप फेज में चल रहा है, और 1% जो है SDFC। और यहाँ पर अगर एक्सिस बैंक की बात देखें तो लगभग लगभग तकरीबन बैंक जो थे एक प्रॉफिट में एक लॉस में, एक प्रॉफिट में एक लॉस में, एक प्रॉफिट में एक लॉस में, ऐसे करके कुछ बैंक जो हैं चल रहे हैं, जिनकी वजह से मार्केट जो है अभी मूवमेंट कर नहीं रही है। और जैसे ही मार्केट मूवमेंट करेगी यहाँ से एक रीटेस्ट लेगी, रीटेस्ट के बाद आपको एंट्री कर सकते हैं, या फिर नहीं रीटेस्ट लेगी तो एक हैमर कैंडल अगर जब यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई दे तब आप इस लेवल के आसपास जाकर, जब आप यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाएंगे ये इस लेवल के आसपास, जब एक हैमर कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे तब आप एक अपसाइड की मोमेंट ले सकते हैं, और वो भी 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, और 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ये वॉल्यूम बेस्ड थोड़ी सी ट्रेड करेंगे अगर आप फ़ायदेमंद रहेंगे तो यहाँ पर एक्सिस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब ये यहाँ से हैमर बना कर निकले एक्सिस का कोई एक क्रिटिकल लेवल जो है टूटना चाहिए, तब जाकर आपकी इसके अंदर एक प्रॉफिट की गुंजाइश यहाँ पर बन सकती है दोस्तों। और चलिए बात कर लेते हैं अभी निफ्टी की, उसके बाद हम जो है 5 मिनट 5 EMA पर आएंगे। तो कल के दिन की मार्केट जो थी, कल के दिन की मार्केट भी इसने सेम ही वही किया कि यहाँ पर साइडवेज थोड़ा घूमती रही, और ये 17,800 के आसपास, 17,800 के आसपास का, और 17,710 और 17,700 के आसपास का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल यहाँ पर इस मार्केट ने बनाया है। जैसे ही ये मार्केट अभी इस लेवल के आसपास आपको दिखाई देगी, तब जैसे कि ये क्रॉस करेगी तब आप यहाँ से यहाँ तक का एक हल्का फुल्का ट्रेड अभी ले सकते हैं। तो एक रीटेस्ट के बाद ही मैं चाहूँगा कि जब मार्केट ऐसे बीच में से गुजरे तब एक रीटेस्ट के बाद आपको यहाँ पर मार्केट में ट्रेड लेनी चाहिए, जब एक रीटेस्ट हो जाए। और ऐसे ही अगर मार्केट अपसाइड में बनेगी तो एक रीटेस्ट के बाद आपको अपसाइड की मूवमेंट जो है लेनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और इससे आपका कैपिटल भी ग्रो होगा। इसके साथ साथ दोस्तों 5 EMA में अगर हम ट्रेड देखेंगे तो कल के दिन जो ट्रेड बनी, हालांकि ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रहा इसका, कल के दिन मैं अवेलेबल नहीं था दोस्तों, यहाँ पर इसका SL बनाया गया, बट मार्केट ने हर बार की तरह हमें एक अच्छा और ज़्यादा रिटर्न वाला 1:4 के रिटर्न वाला हमें यहाँ पर ट्रेड मार्केट ने दिया है बैंक निफ्टी ने। तो इस पर कोई वो बड़ी बात नहीं है कि मार्केट रोज़ ट्रेड देता है, बस हमें लेनी होती है उस ट्रेड के अंदर, उसके अंदर अपना पेशेंस बनाकर बैठना होता है, और लगातार हमें अपने ग्रोथ की तरफ कंसिस्टेंसी के साथ हमें लगातार काम करना होता है इस मार्केट के अंदर। और यहाँ पर जैसे आप अगर देख पा रहे हैं
तो जैसे ही इसने ये लेवल क्रॉस किया है, इस कैंडल पर बाइंग बनी, और बाइंग बनने के साथ साथ जब ये इस कैंडल ने थोड़ा सा समय बिताया और ये एकदम से, ये क्या हुआ, ये मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी और उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट लेकर ऐसे का कुछ फॉर्मेशन बनाया। यहाँ से देखिए ये जो लेवल है 41,640 के आसपास का, यहाँ से मार्केट आई थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, और फिर ये डाउन ट्रेंड में चली गई मार्केट। यहाँ पर आपने एक एसएल और बाइंग बनाई। एसएल हालांकि आपको ज़्यादा पॉइंट्स का देना पड़ा, पर बाइंग के अंदर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी आया। यहाँ से पुट की तरफ लिया और पुट के साइड अच्छा खासा हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिला दोस्तों। तो ये थी कुछ एक 6 तारीख की, और अभी जो है मार्केट ने हमें अभी तक एक एंट्री दी ज़रूर है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि 7 तारीख को आज के दिन मतलब कौन सी एंट्री मार्केट ने यहाँ पर हमें दी है। बट मार्केट ने एंट्री दी ज़रूर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कैंडल के हिसाब से वर्क कर रही है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी एसएल रखा और यहाँ पर इसकी बाइंग बनाई, बट मार्केट क्या है, सबसे पहले ऊपर जाके इसका एसएल खा कर आई, और एसएल अगर यहाँ का लगाते तब हम बिल्कुल इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने ये ट्रेड जो है कैंसिल कर दिया। ये ट्रेड के अंदर हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनाई। अगर मार्केट क्या होता है कि इस लेवल पर 41,400 से 41,400 से 41,340 के आसपास के लेवल के बीच में, यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड की मूवमेंट पकड़ेगा और फिर वहाँ से इस लेवल पर आकर कुछ डाउन ट्रेंड बनाना शुरू करेगा, तब जाकर हम 5 EMA के अंदर अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।